अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट व शेयर करें और ऐसी ही ताज़ा खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल PRSTV न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का PRSTV न्यूज में। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबर पर। रामनगरी अयोध्या को विश्व पर्यटन मानचित्र में लाने में बड़ी भूमिका निभाने वाले दीपोत्सव में जन सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से बारून बाजार स्थित ओवन अकेडमी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उसमें विद्यालय के छात्र एवं छात्राओं के द्वारा दीपोत्सव व रंगोली कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सियाराम चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष रामानुज रामा ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि DBS इंटर कॉलेज सरूपुर के प्रधानाचार्य राजेश कुमार सिंह ने बताया कि दीपावली का त्योहार समृद्धि व वैभव का प्रतीक है। त्योहार को लेकर बाजार में हलचल बढ़ जाती है। गरीब हो या अमीर, इस पर्व में हर व्यापारी के आय में बढ़ोतरी होती है। लंका विजय के उपरांत मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अयोध्या आगमन के अवसर पर हम दीपावली का त्योहार मनाते हैं। विद्यालय प्रबंधक धर्मपाल पांडे ने बताया कि ओएन अकेडमी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान रंगोली निर्माण व दीप प्रज्वलन के माध्यम से दीपोत्सव में सहभागिता करने के लिए आम जनता को प्रेरित करने का प्रयास किया जा रहा है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सियाराम चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष रामानुज सिंह रामा ने उपस्थित व्यक्तियों को संबोधित करते हुए बताया कि ओएन अकेडमी विद्यालय परिसर से दीपोत्सव के माध्यम से आम जनमानस को यह बताने का प्रयास किया जा रहा है कि अयोध्या जनपद का प्रत्येक व्यक्ति दीपोत्सव के दिन भी अपने आवास के सामने कम से कम 10 दीपक अवश्य जलाएं। वरिष्ठ समाज सेवी लोकेश द्विवेदी ने उपस्थित अतिथियों का आभार प्रकट किया। कार्यक्रम में उपस्थित व्यक्तियों में विद्यालय अध्यक्ष रामगोपाल पांडे, लोकेश द्विवेदी, विवेक उपाध्याय, रविन्द्र पांडे, जगत पाल पांडे, अभय पांडे, अर्जुन दुबे, मिथिलेश मिश्रा, विजय तिवारी, पवन मौर्य, अविनाश, सुधांशु मिश्रा, अवंतिका श्रीवास्तव, शकुंतला, कीर्ति, प्रतिमा, रूबी, शालू, किरण, पूजा, दीपिका, अंशिका एवं भारी संख्या में छात्र छात्राएं एवं स्थानीय लोग मौजूद रहे। जो ये दीपोत्सव का कार्यक्रम आपके विद्यालय में हुआ है, इसे आप पूरे देश में क्या संदेश देना चाहेंगे, विश्व में जितने भी भारतवासी हैं? आज ओएन अकेडमी विद्यालय में जो है दीपोत्सव कार्यक्रम मनाया गया। दीपोत्सव कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी से प्रेरणा लेके जो दीपोत्सव कार्यक्रम हमारे अयोध्या में हो रहा है, उन्हीं की प्रेरणा स्वरूप लोगों में जनमानस में सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से ओएन अकेडमी प्रांगण में आज दीपोत्सव कार्यक्रम कराया गया। इसमें आसपास के ग्रामीण की काफी संख्या में लोग यहां पर आए और जो है यहां पर दीप जो है उनके नाम भगवान राम के नाम जो रावण पर विजय प्राप्त करके दिवाली के दिन आए थे उनके लिए जो है दीप यहाँ पर रखे। उसी के साथ हमारे जो वीर जवान हैं जो सीमा पर शहीद हो रहे हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए भी उन्होंने दीप दान किया। इसी के साथ में जो हमारे जवान देश की रक्षा के लिए सीमा पर खड़े हुए जिनके कारण आज हम लोग दीपोत्सव मना रहे हैं उनके भी जो है आत्मबल के लिए उनकी शक्ति के लिए सभी लोगों ने दीपोत्सव कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और ये प्रण लिया कि हम जो है सभी लोग दीपावली के दिन अपने घर के सामने चौराहे पर कम से कम 10 दीपक जलाएंगे। आज के कार्यक्रम में कौन कौन से आपके यहाँ अतिथि आए थे, कौन कौन से लोग थे शामिल हुए थे? ये आज के कार्यक्रम में जो है सियाराम चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष माननीय श्रीमान जो है रामानुज सिंह रामा जी, साथ में लोकेश द्विवेदी जी, विवेक उपाध्याय जी, इसी के साथ में हमारे जो है इंटर कॉलेज के प्राचार्य जो है राजेश कुमार सिंह जी उपस्थित थे और विजय तिवारी जी, इसी तरह से काफी संख्या में जो है अतिथि और जो है अतिथि विद्यालय में उपस्थित रहे। इसी के साथ में आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगली खबर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए PRSTV न्यूज। आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.prstnews.in।